So, Mohammed Sadiq, I'm Amarjot Singh in Edmonton, and I'm talking to you. First of all, do you like to prefer to speak in English, Hindi? Hindi mein chalega, sir. No problem. Hindi mein chalega. Aur mere ko badi khushi hui Hindi mein baat karne se. Ji ji. Aap sheher bataye, kaun se sheher mein hai abhi aap? Bangalore mein hu, sir. Bangalore mein hai, theek hai. Ji. बताएं सर जी, फरमाएं, बताएं क्या है आपकी समस्या, क्या है प्रॉब्लम, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? सबसे पहले मैं आपको जवाब देने से पहले बता दूं कि मैं लाइसेंस्ड हूं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में से, एक आईसीसीआरसी काउंसिल है उसकी तरफ से मैं लाइसेंस्ड हूं। जो जो मैं लीगल एडवाइस अगर देनी है किसी को, तो मैं लीगल एडवाइस देने के उसके लिए मैं मेरे को एक एलिजिबिलिटी है, मैं दे सकता हूँ एडवाइस। तो आप अपने धड़क होकर सवाल पूछ सकते हैं। सर मैंने मेल भेजा है आपको, सो यू कैन जस्ट चेक आउट द मेल। तो मैंने पॉइंट्स वहां पे लिखा है। सो अभी मैं देख भी लेता हूं, लेकिन आप अपने मन से आप कोई भी सवाल जो है पूछना शुरू करें। आपको मैं देख लेता हूं मेल आपकी। आप अपने शुरू करें, आप जो भी आपके सवाल। ओके, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं करंटली आईटी मैनेजर हूं एक यूएस कंपनी में, यहां पे बैंगलोर में। सो कंपनी अब बंद हो जा रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ बैंकप्सी कंपनी बंद हो जा रही है। So I was looking into this student visa. One of my friends suggested a college, IBT college, Canada mein, Toronto mein. Naam kya? IBT college. IBT college. पहली बात तो मैं बता दूं, मैंने कभी आज तक कभी नाम नहीं सुना उसका। फिर देखते हैं आगे क्या। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी, मैं recently November में वहाँ पे था, तो जाके मैं visit करके आया हूँ उनको। Okay. तो उन्होंने मुझे details दिया है किस तरह से आप apply कर सकते हैं। Okay. ठीक है। सो उन्होंने एक टेस्ट दिया है, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक टेस्ट है, ब्रिलिट्स टेस्ट, कुछ ऐसे कुछ है यहाँ पे। मैं उसको अभी सारा खुलासा, सारा दूध का दूध पानी पानी साफ सब क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, स्टूडेंट वीजा जो आप सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट हर साल इंडिया से जाता है पिछले साल की, और एवरी टाइम इज इंक्रीजिंग। तीन वीज़ा ऑफिस हैं इंडिया में, एक तो है न्यू दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, तीसरा चंडीगढ़। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे आज से करीब एक दो हफ्ते पहले, उसके वहाँ मैंने लिखा था कि इनके अप्रूवल रेट्स क्या हैं। अगर नहीं देखी तो दोबारा देखना। देखता हूँ। अप्रूवल रेट्स जो हैं, जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा के, जो स्टडी परमिट, विजिटर वीज़ा और जो ओपन वर्क परमिट के, जी, इन तीनों के जो हाईएस्ट अप्रूवल रेट हैं वो बैंगलोर में है। सही है। न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ में इतने ज़्यादा नहीं है। चंडीगढ़ में तो सबसे लो है और न्यू दिल्ली के बीच में है, और बैंगलोर सबसे हाईएस्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूँ कि 10 एप्लीकेशन में से 4 एप्लीकेशन स्टडी वीजा की रिफ्यूज होती हैं। आपको शायद पता ना होगा तो, लेकिन आप ध्यान कर लें। दैट मींस के जब भी आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये ना समझे कि गारंटी आपका वीजा लगेगा। वीजा आपका रिफ्यूज हो भी सकता है, पहली बात तो ये है। Okay. ये है कि स्टूडेंट वीजा का जो कानून है, जो लॉ है, स्टूडेंट वीजा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरा और उसमें अटैच कर दिया ऑफर लेटर और पैसे दिखा दिए तो आपका वीजा लग जाना, ऐसे नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुतों के वीज़ा नहीं भी लगते हैं। वो क्यों नहीं लगते हैं, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि उनका जो स्टडी का जो प्लान है, ऑब्जेक्टिव है, वो बोनाफाइड है। डैट मीन्स वो वाकई ही पढ़ने के बेस पे वो कनाडा जा रहे हैं, या पढ़ने के बहाने कुछ पीआर का चक्कर चला रहे हैं। ओके okay. अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपकी एज 43 है, आपने लिखा, मैंने आपकी ईमेल देख ली, जी, अगर जी. आपकी एज 43 है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है काफ़ी, मेरे ख्याल 5-10 साल का, कितने का एक्सपीरियंस है? 14 साल का जी। और आपकी डिग्री है किसमें? बीसीए करी आपने? बीसीए करी है। कौन से साल में? ये एक्चुअली 2005 है। 2005 में करी है, तो उसको मतलब आप 13 साल हो गए। जी जी। और आपको तो बहुत ज्यादा शो करने की जरूरत है कि आप क्यों जा रहे हो, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो पढ़ाई इंडिया में क्यों नहीं कर सकते आप, और पढ़ने के बाद आपका जो एक लॉन्ग टर्म जो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे बीट कर रहे हो। तो ये जस्टिफाई करना बहुत, मैं समझता हूँ कि ये आपकी मेन जो, जिसको हम कहते हैं आपकी एप्लीकेशन की आत्मा है, ये एप्लीकेशन के एक अंदर जो एक स्पिरिट है, वो अगर क्लियर नहीं हो तो वीजा नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये आप समझ लें। ओके आप जो कोर्स में, आपने जो आईबीटी कॉलेज वगैरह का जो भी नाम लिया जी,
अगर मैंने आईबीटी कॉलेज का नाम नहीं सुना तो आप सोचे कि वीजा ऑफिसर ने भी समझा होगा ये लो लो ग्रेड का है कॉलेज। एक और जो फैक्टर हमेशा चलता है कॉलेज एडमिशन में, स्टडी वीजा में, वो चलता है कि जितनी हायर उसकी रैंकिंग होगी, जितना हायर उसका एक ग्रेड होगा, उतनी ही एक आपको एक अच्छे तरीके से वीजा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ छोटा सा, इंडिया में बहुत तरह तरह के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे आईआईटी है, एक स्टूडेंट ने आईआईटी से किया है, दूसरे स्टूडेंट ने कोई रीजनल से किया है, छोटे मोटे जिसको पता ही नहीं है, तो नौकरी किसको पहले मिलेगी? आईआईटी वाले को मिलेगी, क्योंकि आईआईटी की रैंकिंग, उसकी एक स्ट्रक्चर और एडमिशन वाला हाई है। इसी तरह तरीके से अगर आप कनाडा के हाई लेवल यूनिवर्सिटी, हाई मींस हाई, मैं तीन चार नाम दे दूंगा, बाकी हाई तो और भी हैं, अगर हाई लेवल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपका समझो कि आधा काम वीजा ऑफिसर के सामने पहले ही जाने से पहले हो गया। अब इसमें हम लोग गलती कर जाते हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि हम लोग जाते हैं जो कोर्स जो छोटा हो, सस्ता हो और जल्दी से एडमिशन मिल जाए उस पर हम पहले जाते हैं, क्योंकि वहां पर लगता है कि पैसे कम लगेंगे। लेकिन उससे क्या है कि वीजा का हमारा जो आउटकम है वो हमारे अगेंस्ट जा भी सकता है, सारे को नहीं, कहीं कहीं जा भी सकता है। अगर आपने हाई यूनिवर्सिटी चुनी और आप छोटा मोटा, आपके केस में क्योंकि आपकी एज भी ज्यादा है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, गैप भी है उसका, और आपने जो कोर्स करने जा रहे हो उसके बारे में बात करेंगे, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हाई लेवल की यूनिवर्सिटी ढूंढे, छोटे मोटे कोर्स से आपके बात बनने वाली नहीं है। ये मैं ये भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई जॉब करनी है, नौकरी करनी है, कोई सेटल होना है कनाडा में, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री हाथ में होगी, तो आप कॉन्फिडेंटली होकर कहीं जा सकते हो। मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं, रोज के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैं कनाडा में रोज मेरे को स्टूडेंट कॉल करते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे कॉलेजेस में आए हुए हैं, और आने के बाद क्योंकि एजेंटों ने वहाँ उन्होंने भेजा हुआ है, वहाँ पर तो ये है कि जल्दी से एडमिशन लो, स्टडी वीजा लो और आपको एक कमीशन मिली, तो दे डोंट केयर कि आगे क्या हुआ। लेकिन आने के बाद वो स्टूडेंट परेशान होते हैं, वो कहते हैं इस कॉलेज में कुछ नहीं है, हमें दूसरे कॉलेज में जाना है और यहाँ पर ये है और यहाँ जॉब नहीं है वगैरह वगैरह, ये कोर्स हमारा इतना प्रोफेशनल नहीं है, तो वो सब गलती करने से मैं आपको अभी से ही बचा रहा हूँ कि अभी से ही आप जो प्लानिंग कर रहे हो, आप कागज पेंसिल हैं तो नोट भी करते जाएं आप, कि आपको नंबर वन यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको छोटे मोटे कॉलेज से बात बनने वाली नहीं है, और आपको यूनिवर्सिटी तगड़ी चाहिए, तगड़ी मन से अच्छी लेवल की। मैं दो तीन का नाम दे देता हूँ, बाकी तो यूनिवर्सिटी आप चुन लो, जहाँ आप टोरंटो गए और घूम कर आए हो वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बहुत हाई लेवल की यूनिवर्सिटी है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से आपको अगर कोई डिग्री का कोई ऑफर लेटर मिल गया, आपने बीसीए कर रखी है, तो आप, मैं आपको चाहता हूँ कि आप दोबारा बैचलर्स या डिप्लोमा सर्टिफिकेट में ना जाएं, आप जाएं कोई एमएस मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या मास्टर्स लेवल का कोई, आप वो समझे कोई अपने लेवल का, क्योंकि आपने, मैं देख रहा हूँ आपने एक्सेंचर में काम किया है शायद, वाइफ ने किया है तो जी, ये स्टूडेंट वीजा किसे, आपको लेना है कि उन्हें लेना है? मुझे लेना है। तो आपकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीसीए। अच्छा, बीसीए, लेकिन आपकी आपकी एक्सपीरियंस कहाँ पर है? मेरी 14 साल की यूएस कंपनी है, तो पूरा मिला के 14 साल की। नाम क्या है? कलेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एक्चुअली यूएस में विस्टो हब बोल के कंपनी है। मतलब वो भी आप आईटी काम करते थे वहां पर? जी, तो आपको भी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या कोई ऐसा कोई 2 साल की आप डिग्री पकड़ लें, छोटा मोटा डिप्लोमा से, मैं नहीं चाहता कि आप छोटे डिप्लोमा जाएं, आप 2 साल की कोई डिग्री पकड़ लें, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे जाएं, आप टाइप करें टॉप यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, पांच की लिस्ट ऊपर से ले लें, पांच, जैसे मैं दो तीन नाम दे दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, मैकगिल है मॉन्ट्रियल में, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, कैलगरी है, चार तो इन मैं नाम दे दिया आपने, और उसमें देख लें इनके यूनिवर्सिटीज के, आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे आप टाइप करें, देखें कौन कौन से कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, और वहीं से डायरेक्टली वहां से एप्लीकेशन करें, किसी कंसल्टेंट एजेंट को जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है जाएं, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता हूं कि आप जाना जाएं, इट इज ओके, पर आपको एडमिशन चाहिए इन टॉप यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन टॉप यूनिवर्सिटीज ने कभी एजेंट रखे नहीं है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, यूनिवर्सिटी ऑफ बीसी ने एजेंट छोड़ रखे हैं, जी हमें एडमिशन ला के दो क्योंकि उन्हें कमीशन देना पड़ेगा, तो उन्होंने, उनको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो टॉप लेवल स्टूडेंट है, अपने आप ही खींचे चले आते हैं वहाँ पर। वहाँ पर आप एडमिशन करें, एडमिशन लेने के बाद आप फिर वीजा अप्लाई करें, आपके वीजा के चांस ज्यादा हाई होंगे। दूसरी बात है जो आपने कहा है, आईबीटी कॉलेज ने कहा है बर्लेट्स वगैरह करें, मैं देखता हूँ ये बर्लेट्स का क्या चक्कर है, मेरे को ये धांधली लग रही है। तो पहली बात तो आईबीटी कोई कोई बहुत हाई कोई यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं है, छोटे मोटे कॉलेज लग रहा है, प्राइवेट कॉलेज लग रहा है, तो
आईबीटी को आप छोड़ ही दें, आपको सिर्फ इंग्लिश टेस्ट देना है जी, आप यहाँ पर बेंगलोर में IELTS दे दें, उससे आपका काम बन जाएगा। और कितना आपको स्कोर चाहिए है उसका भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि जितना हाई से हाई, कई बार मैं हंसता हूँ जब लोग पूछते हैं यार कितने में काम चल जाएगा, 5 में काम चल जाएगा, 5.5 में काम चल जाएगा। मैंने कहा इससे क्या मतलब यार, आपको जितना हाई से हाई जाना है तो आप जाओ, तो आपको अगर 6 ला सकते हो बहुत अच्छा है, 6.5-7 जितने ऊपर ऊपर लाओगे उतना एक शो करता है कि स्टूडेंट में वाकई ये कैपेबिलिटी है। तो आपके पास एक टॉप लेवल यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, आपके पास जस्टिफिकेशन है कि भी आपने जो एक्सपीरियंस है आपका बीच में जो इसे के बाद है वो आपका काम आएगा, और आपका एक स्टडी एक वो होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको SOP भी कहते हैं कि भाई ये हम क्यों करने जा रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा होगा, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं, जैसे कि अगर मेरे को, अब मैं, मेरा IT बैकग्राउंड नहीं है लेकिन मैं एक एग्जांपल सोचूं, जैसे कि मेरे को अगर कोई कंप्यूटर सिक्योरिटी में कुछ काम करना है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन में या कोई ऐसा यू नो नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसे में कुछ कुछ अगर करना है, तो मैंने BCA करा, उसके बाद मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया, मेरे को लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, और इसके साथ साथ मेरे को लगता है कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन में ज़्यादा फ्यूचर है, एक प्रॉमिस है। तो एज अ एप्लीकेंट मैं वीजा ऑफिसर को बोल रहा हूँ कि भाई मैंने जो करना था कर लिया, देखना था देख लिया, मेरे को लगता है कि मेरे को इस फील्ड में, इस सिक्योरिटी एप्लीकेशन में स्पेशलाइज करने की ज़रूरत है, यहाँ मेरा जज्बा भी है, इंटरेस्ट भी है, और मेरे को लगता है कि अगर मैं कनाडा में करूँ तो ज़्यादा मेरे को फ़ायदा है, वहाँ पर वर्ल्ड लेवल की कंपनीज भी ऑलरेडी हैं, उस लेवल की पढ़ाई भी है, और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में देखा कि वहाँ के कुछ प्रोफेसर का नाम फलाना जॉन स्मिथ ने ऐसा ऐसा आर्टिकल लिखा है नेटवर्क सिक्योरिटी पे, मेरे को वो आर्टिकल पसंद आया, मेरे को लगा कि उनके पास जो एक कटिंग एज एक नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस क्लास में बैठूँ, मैं उस प्रोफेसर से रूबरू हूँ। ये सब बातें पढ़ के वो एक सीक्वेंस बनता है कि हाँ, एक तो इंसान जो है वो प्रोफेशनल है, अपना एक्सपीरियंस की यूटिलाइज कर रहा है, इसकी तैयारी है, यूनिवर्सिटी भी इसको पसंद करती है, इसने रिसर्च भी कर रखी है, और इसको आगे जाके फायदा होगा, तो आपको वीजा मिलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। सिर्फ इतना ही मेरे को कहना। अब अपना सवाल पूछें आप। बस वही सर पूछना था मुझे कि आपका ओपिनियन क्या था इसके बारे में। मैंने सारे में इसमें गागर में सागर भर दिया इसमें सारा। सही बात। अच्छा, अब अपना सवाल आगे पूछें, और भी सवाल पूछें, मैं आपके साथ साथ आपकी ईमेल भी देख रहा हूँ। बस उतना ही था सर, और तो फिलहाल ये पैसे कितना दिखाना पड़ेगा सर बैंक में अगर। अच्छा सवाल पूछा आपने। जो पैसे का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो भी स्टूडेंट है, एक तो साल की जो फीस शो करनी है, साल की फीस उनकी होगी लेट्स से के 18,000 19,000 या 13,000 जितनी भी होगी, वो उनकी वेबसाइट में लिखी होगी, वो आपको बता देंगे। और मजे की बात यह है कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अच्छा बैकग्राउंड है, हो सकता है आप कोई ग्रांट एड भी दे दें, कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप वगैरह भी दे दें, छोटे मोटे कॉलेज IBT वगैरह नहीं देंगे तो वहाँ दे सकते हैं। एनीवे, आपकी जो एक साल की फीस का इंतजाम हो गया, उसके अलावा आपको अगर आप अकेले जा रहे हो तो $10,000 शो करने हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। दैट मींस के 18,000 लेट्स फॉर एग्जांपल 18,000 फीस है और 10,000 मेरे लिविंग एक्सपेंसेस है, टोटल 28,000 चाहिए हमारे जेब में है, तो हम जा सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको अपने वाइफ को ले जाना है, बच्चे हैं आपके? जी, दो बच्चे। अगर आपको वाइफ को और बच्चों को ले जाना, तो उनके लिए अलग अलग और पैसे चाहिए पड़ेंगे, $4,000-4,000 अलग अलग चाहिए पड़ेंगे। तो लेकिन अभी आप उनको ले जाओ मत, क्योंकि अभी आपको पता नहीं आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, कैसे होगी, आपको यूनिवर्सिटी पसंद आती नहीं आती, बहुत सारी बातें। आप खुद जाओ, एक आध सेमेस्टर पढ़ो, थोड़ा जम के देखो वहां पर क्या हो रहा है, हो सकता है आपको ठंडी बर्दाश्त ना हो, यू नो नेवर नो क्या होता है, उसके बाद फिर आप अपने वाइफ वगैरह को फिर आप मंगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वाइफ और बच्चे अभी नहीं जा सकते, कोई मेरी बात सुन के कहीं ये ना समझे कि इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात होती है पैसे की और सेटलमेंट की। आपके पास अगर कम से कम लेट्स से के $40,000-50,000 अगर आपके पास हैं, तो आप बशर्ते आप सबको ले आ सकते हैं। मेरे पास कई स्टूडेंट हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ, मैं एडमिंटन में रहता हूँ और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन है, यहाँ पर सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कई चाइनीज जापानीज स्टूडेंट हैं, यूरोपियन स्टूडेंट हैं, पूरे पूरे परिवार लेके आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, मतलब कि वो हॉस्टल वगैरह में नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा है बहुत है, तो वो आके सीधे ही घर अपना एक रेंट कर लेते हैं, और उसमें हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, हस्बैंड जॉब कर रहा है और वाइफ पढ़ रही है, उल्टा वाइस वर्सा होता है, बच्चे भी अगर हैं आपके छोटे तो बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पैसा आपके पास है कि नहीं है। जहाँ तक पैसे की बात है, आपको मैं समझता हूँ कि आपको मिनिमम
मिनिमम 6 महीने या आई प्रेफर के 12 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी सही दुरुस्त होनी चाहिए, जिसमें एक बैंकिंग हिस्ट्री शो होनी चाहिए कि आपकी तनख्वाह आ रही है, काम कर रहा हो, इतने पैसे जुड़ रहे हैं, एक स्टेबल बैंकिंग हिस्ट्री कहते हैं, सही है, तो वो होनी चाहिए, तो वो ही आपको सही शो करता है। तो मेरे ख्याल एको आ रहा है, आप सर स्पीकर फोन बंद कर दे सर, एको आ रहा है मेरे ख्याल, एक मिनट, तो वो उतने उतने पैसे शो होने चाहिए जी। और बताएं जी, तो वही है। और ये आफ्टर कोर्स के बाद पीआर के लिए कैसे अप्लाई करना है फिर? आफ्टर कोर्स के बाद बहुत इजी है, अगर आप 2 साल का स्टडी करते हैं, 2 साल में जब ग्रेजुएट करते हैं, जब आपको डिग्री मिलती है, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जिसको कहते हैं ओपन वर्क परमिट। तो okay. आप किसी भी जगह किसी भी एम्प्लॉयर को काम कर सकते हैं, और आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा लेट्स से कि 3 साल आपने 3 साल वर्क परमिट है, आपको 1 साल का भी वर्क परमिट मिल गया, तो आपको 1 साल का जो क्रेडिट है, वो जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो क्रेडिट है, जो एक्सपीरियंस का है, वो आपके एक्सप्रेस एंट्री फाइल में जुड़ जाएगा। जो आपने पहले पूछा था एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट्स कम है, तो वो पॉइंट्स वहाँ पे जुड़ जाएंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी ओंटारियो में, जैसे टोरंटो में करी आपने, तो ओंटारियो के पास ऑलरेडी इनका एक नॉमिनेशन प्रोग्राम है, जिसको ओंटारियो नॉमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं, मास्टर्स लेवल स्ट्रीम का आजकल है, अनलेस इन फ्यूचर बंद ना हो जाए, आज इस वक्त तो है। तो उस तरीके से भी आपको, अगर आपके पास जॉब ऑफर मिलता है, जॉब मिलेगा ही आपको, अगर आपको ऐसी डिग्रियां कर रहे हैं तो मिलेगा ही, तो उसके हिसाब से आप पक्के हो जाओगे। पक्के होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंसान अच्छी डिग्री कर रहा है, जो इंसान अच्छी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, उसके लिए जॉब और पीआर होना तो ये सोचने वाली बात ही नहीं। ओके ओके, अगर इन केस मैं बच्चों को लेके आता हूँ, तो लाइक एजुकेशन कैसा रहेगा सर वहाँ पे? लाइक गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री रहती है या वी हैव टू पे फॉर द एजुकेशन? आप क्या चाहते हैं, फ्री चाहते हैं या पे करना चाहते हैं? नहीं, फ्री फ्री का फ्री है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो हम लोग जो स्कूल चलते हैं, जैसे इंडिया में स्कूल चलते हैं, वैसे नहीं है। यहाँ पर हमको टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स से, उससे स्कूलिंग सिस्टम चलता है, और जिस एरिया में आप हैं उस एरिया के स्कूल में आप बच्चे को अपना एडमिशन करा सकते हैं, एडमिशन की मना नहीं। ओके, ये सर बाकी तक के बाद में है, 12वीं तक, उसके अलावा नहीं है। नहीं, सही बात जी। अगर मैडम लगा रही हैं, तो सपोज उनको कौन सा वीजा मिलेगा? ओपन जॉब वर्क परमिट मिलेगा? उसको मिलेगा वर्क वीजा, मिलेगा ओपन वर्क वीजा। ओके ओके, बच्चे की उम्र कितनी है? एक अब 8 साल का है और दूसरी 2 साल की है। हाँ, और इनको यहाँ पर भी एक थोड़ा मैं एक इमिग्रेशन लॉ का नुक्ता समझा दूं आपको भी, और जो और भी लोग देखेंगे वो उसको उनको भी, कि अगर बच्चे ऑलरेडी स्टडिंग एज पे हैं, अगर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं, दोनों बच्चे के लिए। उनके कोई स्कूल की एडमिशन का लेटर जरूरी नहीं है, उसके अलावा ही, मतलब एडमिशन लेटर के अलावा ही उसको स्टडी परमिट उसको मिल जाएगा। तो जब स्टडी परमिट मिल जाएगा, उससे बहुत बड़े फायदे हैं। अगर चेंज करना है स्कूल और कहीं और जाना है, तो उसके लिए ईजी होता है। लेकिन अगर वो विजिटर परमिट भी अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी स्कूल का एडमिशन उनका हो जाएगा। ओके, तो okay. मेरे पास अभी एक केस किया था मैंने अभी पिछले 1 महीने पहले, तो उनमें उनका जो हस्बैंड थे, हस्बैंड के जो चाइल्ड है, उनका चाइल्ड की उम्र मेरे ख्याल है शायद 2 साल से नीचे थी, मतलब कि वो इंडिया में भी स्कूल नहीं जाते थे, तो उनको अप्लाई किया हमने, उनको विजिटर वीजा मिला, और विजिटर वीजा पे जाके ही बच्चा पढ़ सकता है, कि बच्चे के जो फादर है उनके पास वर्क परमिट है। अच्छा, वो सिचुएशन आप पे भी होती है कि आपके पास अगर स्टडी परमिट है, या आपकी वाइफ के पास स्टडी परमिट है, और आपका बच्चा ऑलरेडी इन कनाडा है और उसके पास विजिटर वीजा है, तो वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है, उसको स्कूल मना नहीं कर सकते। ओके, ठीक है सर। और डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए स्टूडेंट वीजा के लिए? डॉक्यूमेंटेशन तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 3-4 चीजें जो हम लोग पहले बात कर, वही डॉक्यूमेंट चाहिए, और कोई ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। एक तो आपको एडमिशन लेटर चाहिए, बैंक हिस्ट्री चाहिए आपको, और तीसरा जो आपको IELTS चाहिए। IELTS बिना तो उन्होंने एडमिशन देना ही नहीं पहले, तो सही है। तो पहले वो लेकर आओ, और चौथा जो आपको, जो असली जो आत्मा है पूरी इसकी, वो है आपको ये जस्टिफाई करना कि आप स्टूडेंट क्यों हैं, कैसे हैं, वहाँ कनाडा क्यों जा रहे हैं, और कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल तो कहीं जा सकते, आप इंडिया में पढ़ सकते हो। इंडिया में मैं कई बार ये पूछता हूँ स्टूडेंटों से, और आई एम श्योर कि वीजा ऑफिसर भी रियलाइज करते होंगे, जैसे अगर आपको
टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े पढ़े हुए हैं। अगर किसी को इंजीनियरिंग पढ़नी है तो आईटी क्या का बुरा है क्या वहाँ पर? अगर आपको वाकई इंजीनियरिंग पढ़नी है या कोई कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया में, बड़े बड़े आईटी हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? तो एक सोचने की बात है ना। सही तो बात ये वीज़ा ऑफिसर को भी पता है कि स्टूडेंटों को यहाँ नहीं पढ़ना क्योंकि यहाँ पर एडमिशन मुश्किल है। बड़े मज़े की बात है एक्चुअली कि कनाडा जैसी कंट्री में एडमिशन आसान है और इंडिया में स्टूडेंट का एडमिशन होना मुश्किल है कि नहीं? सही मैं सही है, गलत? सही है, सही है। यहाँ पर अगर आपको, मैं आपसे पूछूं, अगर आपको एमबीए करना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से, तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए पसीना आ जाएगा। सही बात है, सही बात है, आप एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह हुआ, कैट जो भी करना है, रिटन एग्जामिनेशन करके करके, इट इज़ वेरी करेक्ट, वेरी लाइकली कि हो सकता है आपका एडमिशन ना हो। सही बात है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो आसान है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया को, मैकल में तीन यूनिवर्सिटीज को, ये टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं एक्चुअली इन कैनेडा, वेरी टॉप। अगर इन तीन यूनिवर्सिटीज को आप एमबीए अप्लाई करो तो इट इज अ गुड चांस कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं आपको एडमिशन कोई ना कोई दे देगा, जबकि आईआईएम अहमदाबाद वाला, बेंगलोर वाला नहीं देंगे एडमिशन। नहीं देंगे, सही बात है, करेक्ट, ये जितने भी राज हैं, जितने भी गुत्थियां हैं, वीजा ऑफिसर को भी पता है, उन्हें पता है कि स्टूडेंट जो है ना ये पीआर लेने के लिए बहाने से पढ़ाई जा रहे हैं, उनको पता है। वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और उनका सही रोज बात। का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन, उन्हें सब पता है। तो लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, उनको भी फायदा होता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज को फायदा होगा, यूनिवर्सिटीज को पैसे मिलेंगे और बाकी आप रहेंगे तब पैसा खर्चा होगा, मतलब कुल आगे टैक्स भी मिलेगा, तो कुल आपके कनाडा को फायदा है। और लेकिन कनाडा सिर्फ यही कह रहा है कि हम उसी स्टूडेंट को लाएंगे जो हमें लगता है कि रियल स्टूडेंट है। अगर कोई उन्हें लगता है कि ये स्टूडेंट नकली है, और नकली है नहीं है, वो उनका अपना जजमेंट है, सही है। यू कुड बी रॉन्ग और यू कुड बी रॉन्ग, अगर सोचते हैं कि स्टूडेंट बोनाफाइड है तो वो वीजा देंगे, अगर सोचते हैं बोनाफाइड नहीं है तो एडमिशन नहीं देंगे, और सॉरी वीजा नहीं देंगे। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो सर, अगर इन केस मैं आपके थ्रू से अप्लाई करना चाह रहा हूं तो होगा सर? आई मीन यू कैन टेक द केस। मैं अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि मैंने आपको भी और बाकी लोगों को भी एनकरेज किया है कि आप कानून जो है, जो सिस्टम है, उसको सीखें, उसको 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 वो उसको समझने की कोशिश करें। और सही है, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, ये तीनों जो कैटेगरीज ऑफ वीज़ा हैं, ये इतने मुश्किल कॉम्प्लेक्स नहीं है कि कोई आदमी अपने आप समझ के अपने आप ना कर सके। कर सकते हैं, सही है, बशर्ते कि आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, बशर्ते आपको उस चीज़ की जो पता हो कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, तो कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। हाँ, उसके अलावा अगर कोई रिफ्यूज़ल होता है तब हमारा असली काम शुरू होता है। जैसे मेरा आज ही एक रिफ्यूज़ल हुआ है किसी वर्क वीज़ा का, मैंने आपने बात करी तो मैं आपको बता ही दूँ। तो अब मेरा जो काम, जो लिटिगेशन का काम है, वो शुरू होता है कि मैं उसको कैसे अपील करूँ, कैसे मैं उसको आर्ग्यू करूँ, कैसे मैं वीज़ा ऑफिसर को कहूँ कि भाई तुमने गलती करी है, हमने गलती करी क्या। तो वो काम जो है असली लॉयर का, आईसीसीआरसी कंसल्टेंट का, तब शुरू होता है। ओके, अदरवाइज तो इंडिया में कई हजारों जगह जो वीज़ा कंसल्टेंट बहुत बैठे हैं कि जी फॉर्म लेके भर दिया जी, टाइप कर दिया जी, 10,000 रुपये लेके चला गया, हो गया हो गया, आपकी किस्मत नहीं है जी, हमारे बन गए नहीं है जी, क्या करें इसे, सॉरी, हाथ खड़े कर दिए। वैसे तो कोई भी कर सकता है। तो असली काम हम लोग का तब होता है कि तब जब रिफ्यूज़ल हो जाए। और बाकी आपके जो केस में है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इतना मुश्किल काम नहीं है, तो मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि अपना काम अपने आप कर लें, क्योंकि जी अल्टीमेटली अगर आप एप्लीकेशन मेरे को दोगे तो मेरे को तो फीस चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक सही है, सही है, है तो मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे बचे। मैं कभी नहीं, जी मैंने आज तक लोगों से कभी नहीं कहा कि भाई आप मेरे फीस को जी छोड़ के, अपनी वो छोड़ के मेरे को दो, मैं ही आपका काम करूंगा। नहीं, सही बात, बेसिक मेरी जो फीस है, जो बेसिक कंसल्टेशन चार्ज करते हैं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। उसके ओके। अलावा मैं कहता हूँ कि भाई मेरे से पूछ लो, मेरे से सीख लो और आपने अपने आप करो। अगर रिफ्यूज हो गई तो फिर देन आई कैन इंटरव्यू। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बस उतने सर, उतने पॉइंट्स थे, तो अरे बस आप वो ठीक करना था आपसे। और भी कोई सवाल सोच लो यार, कोई बात नहीं, डोंट वरी। नहीं सर, बस उतने ही थे, और कुछ पॉइंट्स नहीं ये है आईबीटी वगैरह ना, ये सब बेकार हैं। जी। और आईबीटी का मैं देख भी रहा हूँ कि इन्होंने नेटवर्क एडमिन में आपको कहा था कि ये जी कोर्स है 6 मंथ का स्टडी, 6 मंथ का कोआप। जी ये आईबीटी इज अ प्राइवेट कॉलेज, करेक्ट, ठीक है? ये प्राइवेट कॉलेज और पब्लिक कॉलेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा दे दूं जरा, इनके जो राज खोल दूं जरा इनके, कि प्राइवेट कॉलेज जो यहाँ बने हुए हैं, जो कनाडा में हैं, वो बने हुए हैं कैनेडियन
कैनेडियन सिटीजंस और कैनेडियन जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए बने हुए हैं ज़्यादा, जिसको शॉर्ट टर्म स्कोर करना करके अपनी नौकरी करो। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उनको पता है कि अगर हम बाहर के स्टूडेंट जैसे आपको अगर वो एडमिशन देंगे तो आपसे 3 गुना ज़्यादा फीस मिलेगी। जैसे कि अगर मैं एज अ कैनेडियन सिटीजन अगर आई बी टी कॉलेज में जाऊँ तो मेरे से उन्होंने 5,000 डॉलर साल चार्ज की चार्ज कर रहे हैं, और आपसे लेकिन उसी कोर्स को आपसे उन्होंने कम से कम 16,000-17,000 प्लस इवन मोर वो चार्ज। तो उन्हें फायदा है फॉरेन स्टूडेंट को अपने जाल में लेने के लिए, समझ रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन वीजा ऑफिसर और इमिग्रेशन देखती है कि इनका रेपुटेशन हाई नहीं है, ये सबको एडमिशन दे देंगे। अच्छा, अगर आप आईआईटी दिल्ली से आप इंजीनियर हो या आप छोटे मोटे कॉलेज से हो या कहीं से भी हो, दे डोंट केयर आप कहाँ से हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास थोड़ी बहुत जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट उनकी है तो वो एडमिशन सबको दे देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और मैकगिल यूनिवर्सिटी सबको एडमिशन नहीं देगी, वो सोच समझ के देती क्योंकि उन्हें अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। करेक्ट, ये बात। आईबीटी कॉलेज को आप छोड़ दें, आप तो 4-5 यूनिवर्सिटी पकड़े, 3 का नाम मैंने ले दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है वैंकूवर में, एक मैकगिल यूनिवर्सिटी है मॉन्ट्रियल में, अगर आपको मेरे प्रोविंस में इस तरफ आना है तो अल्बर्टा में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, एडमिंटन में या कैलगरी में भी। इन 4 यूनिवर्सिटीज को आप देख लो, इन चारों यूनिवर्सिटीज में 100% उनकी वेबसाइट पे जाओ, 100% मास्टर्स लेवल कोर्स कोई कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा जरूर। वहाँ पर चेक करो कि कब वो खुल रहा है, जनवरी में है या समर में है या फॉल में है, कभी भी है जब भी है वहीं से ऑनलाइन भर के अप्लाई करो और वहीं से आपको वो बता देंगे कि एडमिशन देना ही देना। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस। ओके, गॉट इट। बस वही सर, आपसे थोड़ा ओपिनियन लेना था पहले करने से पहले, तो दैट्स अ वेरी गुड ओपिनियन व्हाट यू टोल्ड मी राइट नाउ, बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह वही देखता हूं मैं, आई विल जस्ट ट्राई आउट। ठीक है, और बाकी अगर कोई इस बारे में इस टॉपिक पे इस पे कोई और कोई मशवरा करना है तो जरूर आप याद करें। और बाकी जी, मैं आपको भी रिमाइंड कर दूं कि आप बैंगलोर तो माना नहीं, मैं हैदराबाद जरूर जाऊंगा एक्चुअली अगले। हाँ, मुझे पता था, आपके वीडियोस देख रहा था, तो यू आर कमिंग डाउन इन हैदराबाद, पता नहीं कब, लेकिन मैं सोच रहा था कि वहीं पर अपॉइंटमेंट ले लूं आपसे, फिर मैं सोचा था हैदराबाद आना पड़ेगा, तो चलो यहीं से ले लेते हैं। वैसे आप देखेंगे स्काइप से अपॉइंटमेंट लेना बेटर है कि हैदराबाद में आके मिलने से, यहीं से अच्छा है सर, यहीं से अच्छा ना कि टेक्नोलॉजी यूज करना है। बहुत बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली। कई बार मैं लोगों को मैं खुद अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि कुछ साल पहले मैं ये यूज नहीं करता था स्काइप वाला, जब से मैं स्काइप वाला यूज करने लगा हूँ और नॉर्मली यूट्यूब पे भी लाइव मैं करता हूँ, तो उससे जो एक गुफ्तगू होती है, जो एक कम्युनिकेशन, जो एक रابطہ कायम होता है एक दूसरे से, मतलब उसमें या फिजिकली मिलने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है एक्चुअली। फिजिकली मिलने में ज्यादा एक होता है कि भाई हाँ कि पहले आना जाओ, गाड़ी करा के आओ, पार्किंग करो, फिर करो, मिलना, फ्लाइट लो, इट्स अ बिग हैसल। यू नो वी यूज द टेक्नोलॉजी और बात वही होती है कि आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट मी, वी आर टॉकिंग द सेम थिंग। और दूसरा एक और फायदा है इसमें, फुल अटेंशन है। सही है, आपकी अगर फिजिकली मिलोगे तो अटेंशन भी ज्यादा होता है, पीछे शोर आ गया, कुछ हो गया। और एक चीज पता नहीं चल रही कि क्या 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 बात करें, यहाँ पे एटलीस्ट पॉइंट बना के रखे हैं तो बिल्कुल कैरी करके पॉइंट है, आपको पता है कि ये चीज पूछनी है वो नहीं है, और इट्स अ वंडरफुल यू नो वंडरफुल वे ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एनीवे आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया मैं कहता हूँ कि आप जुड़े हो वहाँ से बेंगलोर से। और बेंगलोर में आजकल मैं आपको एक सीक्रेट बता दूँ एक अपने बारे में, बेंगलोर में आया था आज से 4 या 5 साल पहले जी, मैं किसी कंपनी ने मेरे को बुलाया था वहाँ पर सेमिनार करने के लिए। okay. और मेरे को बेंगलोर के बारे में एक चीज याद है, एक क्लाइंट लड़की आई थी मेरे पास, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कहीं हो सकता कि उस मेरी आवाज़ सुन के मेरे को कॉन्टैक्ट करे जी। और सबसे पहले जिंदगी में सबसे पहले मैंने देखा था ऐसा क्लाइंट जिसके इंग्लिश में 9999 थे। Wow, तो वो बेंगलोर से थी, आई होप के वो कर रही थी अप्लाई एक्चुअली स्पेशली कर रही। अच्छा, तो ये मेरे को अभी भी याद है कि बेंगलोर में मैंने ऐसी कोई क्लाइंट देखा कि जिसकी इतनी हाई इंग्लिश है, इतनी हाई इंग्लिश तो मैंने अमेरिका कनाडा में भी कभी देखा नहीं किसी को। अच्छा, लेकिन मेरे को बेंगलोर में मिली। अच्छा, बेंगलोर तो काफी हाईटेक लोग हैं और मैं देखा उसका एयरपोर्ट वाला काफी हाईटेक है, इट्स वेरी वंडरफुल नाइस इवन दो इट्स बिकमिंग कंजेस्टेड एंड पोल्यूटेड। The only thing is, the best thing is only the climate.
आपको क्लाइमेट आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। किस चीज का क्लाइमेट बोलिए, सवेरे धूप रहेगी, शाम में आपको एकदम ठंडी ठंडी वाली एसी वाली फीलिंग मिलेगी आपको। तो मैं जाते जाते आपको रिमाइंड कर लूं कि जहां आप जाने की सोच रहे हो ना, टोरंटो वाला, वहां पर अभी ठंड बहुत हो रही है। जी नहीं, मैं जाके आ गया हूँ, मैं अच्छा, जाके जाके आ आ गया। गए। जी तो जी आप कितना एकाध कितना टाइम रहे वहां पर? 10 दिन था मैं। 10 दिन है। तो जी जो लोग वहां पर 6 महीने रहेंगे ना ठंड में, उनको उनसे पूछना, 10 दिन में मालूम पड़ता नहीं ज्यादा। लेकिन कनाडा एज अ होल इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, और अगर ठंड पसंद है तो आप कनाडा इज वंडरफुल। Sure. ठीक है। And I just want to share an experience. ये जो लोग बोलते हैं कि विजिट वीजा में एकदम क्लियर हो जाते हैं सब कुछ, बट व्हेन आई वाज इन एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट वाज द टफेस्ट वन, टफेस्ट, बिलीव मी, इट वाज द टफेस्ट वन। इमिग्रेशन वाले ने, तीन इमिग्रेशन वालों ने पकड़ा मुझे, तीन इमिग्रेशन वालों ने, और इतना लेफ्ट राइट सेंटर एकदम शुरू हो गया। सो व्हाई आर यू हियर, व्हाट ब्रिंग यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टू कैनडा, व्हाई 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 आर यू कमिंग दिस टाइम, एंड व्हाई डिड यू गेट, व्हाई डिड यू गेट अ फैमिली अलोंग विद यू, एंड आई मीन व्हाट पेपर्स डू यू हैव। एंड ही लिटरली ओपन माय फोन एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर नंबर्स, यू जितने भी कैनेडा के नंबर्स थे पूरे चेक कर रहा था, और इमिग्रेशन के भी चेक कर रहा था बंदा। एंड इट वाज लाइक टफ, इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर मी। ये अच्छा हुआ आपने ये इस बात का जिक्र कर दिया। कई लोग मेरे से कहते हैं कि जैसे कि मेरे हाथ में है, ये बोलते हैं कि मेरे को आप टूरिस्ट वीजा दिला दो, हाँ टूरिस्ट वीजा मिलने के बाद तो मैं बादशाह हो जाऊंगा, बस मेरे को एक बार पहुंचना है, पहुंचने के बाद बस कनाडा मेरे इट्स पते कर लेना मेरे को। ऐसा लोग सोचना है जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है। रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स तो रॉन्ग। है, मैंने कई ऐसे वीडियो भी बनाए हैं। मैंने पिछले साल की बात है कि कुछ लोगों के पास टूरिस्ट वीजा थे, तो टूरिस्ट वीजा से होते हुए वो एयरपोर्ट वैंकूवर से वापस चले गए। सही है। तो बाकी आपकी बातें सही है कि वीजा मिलना इट इज नॉट द ओनली चैलेंज। वीजा मिलने के बाद जो एयरपोर्ट पे आपकी जो एक इंट्रोस्पेक्शन होता है कि अभी कौन हो, क्या है, कैसे है, असली असली डिसीजन वही होता है कि आपको अंदर आना है कि वहीं या से नहीं, वापस। हाँ और अगर आपको अंदर आना है तो उसकी कोई कंडीशंस वो डाल देते कभी कभी कि सही आपको है। इतने दिन के लिए है, आप इससे मिलोगे मिलोगे फिर आपको ये है। तो असली चीज तो वहां होती है। और कोई भी इंसान ये ना समझे कि वीजा कैनेडियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली से या कहीं से वहां से वीजा मिल गया तो भाई मैं तो जिंदगी जो नजरे हो गई जी, मैं तो लॉटरी खुल गई, अब तो लूंगा जो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आने के बाद भी यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिल भी गई, एंट्री मिलने के बाद उसको कन्वर्ट करना है पक्के होने में, जो लोगों का पास होता है कि भाई अब तो वीजा मिल गया, मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, यहाँ से मैं बिल्कुल पीआर कार्ड बन के लेकर ही जाऊँ, कई सही लोगों का है। ऐसा है, तो वो कन्वर्ट करने में भी पसीना आ जाएगा क्योंकि कई साल लग जाएंगे, 4 साल, 5 साल, ये इवन लॉन्गर, इतने साल उसको पक्के होने में। तो कोई भी ये ना सोचे कि भाई वो वीजा मिलने से उनकी कहानी खत्म हो गई। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और दाद देता हूँ कि आपको वो एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि क्या स्टेजेस हैं और उसमें आपको क्या तैयारी करनी है और आपकी प्रिपरेशन है। इस बिजनेस में, वीजा इमिग्रेशन बिजनेस में, जिसकी जितनी ज्यादा तैयारी होगी वो उतना जी ही आगे चल के कामयाब होगा, सही अदरवाइज है, कहीं ना कहीं वो ठोकर खा जाएगा। सही है, सही है। तो वो लोग बोल देते हैं कि बस आपको वीजा दे दो, बस विजिट वीजा दे दो, बस निकल जाएंगे। लेकिन दैट वाज द टफेस्ट टफेस्ट इंटरव्यू आई हैव फेस्ड। आई मीन इमिग्रेशन वालों से दे स्टार्टेड सर्चिंग माय मोबाइल, हर चीज देख रहे थे, मेल्स देख रहे थे, इमिग्रेशन का कुछ नंबर है वो देख रहे थे। इट वाज लाइक अ टफ टफ टाइम फॉर मी। वो दो तीन बातें होती हैं उसमें जो, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं एक्चुअली, कि पोर्ट ऑफ एंट्री में जो कानून है वो क्या है, क्यों एग्जामिनेशन ऐसे करते हैं। कई बार तो आपको तो जैसे आप लाइन में खड़े हो वहाँ पर काउंटर पे, तब आपसे बात, कई बार तो उनको शक हो तो आपको हवाई जहाज में जाके पकड़ देंगे वो। जैसे हवाई जहाज उतरा, जैसे हाँ टोरंटो एयरपोर्ट पे हवाई जहाज उतरा और अभी पैसेंजर बाहर नहीं निकले, ठीक जी है, जी अभी वो खड़े जी हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं, टेक्स अबाउट 10-15 मिनट लगते हैं उसको निकलने में। जी कई जी बार उन्हें कुछ शक होता है, कुछ अगर एडवांस इन्फॉर्मेशन होती है कि फलाना बंदा ऐसा कुछ शकीला है कुछ ऐसा, तो आपको पैसेंजर्स को उतरने भी नहीं देंगे, अंदर वहीं जाके अंदर जाएंगे प्लेन के अंदर, वहीं जाके वो सीट नंबर पे जाके उसे बोलेंगे, प्लस सर वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वी लाइक टू टॉक टू यू। अच्छा कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने पासपोर्ट फाड़ दिए या डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, कुछ और कर दिया, तो इससे पहले वो सब बात हो जाए उनको पहले ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि भी पता करेंगे बाद में, शक तो शक कुछ ऐसे कोई बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम तो हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आपने फ्लाइट पकड़ी, जैसे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी यूरोप की, यूरोप से कनाडा है, जैसे आप वहाँ से जर्मनी आए, तो जो अगला जो एयरपोर्ट है, जो फाइनल एयरपोर्ट है, उससे पहले वहीं पर आपकी चेकिंग कर लेंगे। जैसे आपने दिल्ली से आप फ्रैंकफर्ट पे आए लुफ्तांसा पे, फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से अगर आप टोरंटो आए,
तो फ्रैंकफर्ट पे ही आपकी इमिग्रेशन की इंक्वायरी सारी वहीं हो जाएगी, जिससे कि आप ऐसा ना हो कि आप आपको आप बोर्डिंग करके चले पहुंच जाओ, वहां जाके प्रॉब्लम हो जाए तो वहीं पर आपको इंटरसेप्ट करके रोक लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है जिनको वहीं से उनको कैंसिल करके वापस भेज दिया। एक हांगकांग का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें दो लोग थे, वो भी आपके शायद समवेयर इन साउथ इंडिया आई फॉरगेट हैदराबाद वगैरह से, तो उनको वो जा रहे थे हांगकांग से, हांगकांग पे इनको रोक दिया, वैंकूवर पहुंच नहीं पाए, हांगकांग से वापस हो गए हैदराबाद को। तो ये भी उसमें हो सकता है। तो वो कई तरीके से चेक करते हैं कि भी आपके पास जो वीज़ा है वो वीज़ा की जो कंडीशंस, आपने पहले वीज़ा लिया है वो कंडीशंस स्टिल वहाँ पर हैं, कोई चेंज तो नहीं हो गया, आपके मन में कोई और कोई विचार तो नहीं आ रहा, अनऑथोराइज काम करने के तो नहीं आ रहे। कई बार लोग होते हैं गर्लफ्रेंड है फलाना है, वो कहते हैं गर्लफ्रेंड है, वेस्टर्न वीज़ा करके आप वापस जाओगे। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेक करते हैं कि जो वेस्टर्न वीज़ा का आपके पास जो एक स्टेटस उसकी जो कंडीशंस उसके जो प्लान है वो मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देन यू हैव टू गो। करेक्ट करेक्ट, दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच, बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाकी मोहम्मद सिद्दीक, आपको कुछ फायदा हुआ बात करने से, कुछ लगा? जी 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 100%, 100%। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और स्टे इन टच, और अगर इसके बारे में कोई और कोई प्रॉब्लम अगर है तो जरूर कॉल बैक करें एनी टाइम। जी 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 आई विल डू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।